दे। अरे अभी से कल देख, आराम से दे, आराम से दे, आराम से दे, आराम से दे। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हो किस सेंस। और कुछ दिनों पहले की वीडियो में मैंने कहा था कि जो स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर है वो 1 जून को रिलीज हो सकता है क्योंकि उस दिन टॉम हॉलैंड का बर्थडे है। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। वो तो रिलीज नहीं हुआ, पर मैं फिर से बेशर्मों की तरह फिर से ट्रेलर के रिलीज डेट की प्रेडिक्शन करने आ गया हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग स्पाइडरमैन नो वे होम की अपडेट्स आपको बताऊंगा। वैसे मैंने आपको कुछ और भी उस वीडियो में बताया था, मैंने आपको कहा है कि टॉम हॉलैंड के बर्थडे पे सोनी कुछ ना कुछ तो रिलीज करेगा, और सच में सोनी ने उस दिन कुछ रिलीज करा। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे टॉम हॉलैंड की एक फोटो डाली नॉर्मल सी, और उसके नीचे कैप्शन डाला हैप्पी बर्थडे टॉम हॉलैंड। सारे मिल के हमको पागल बना रहे के बच्चे। तो हम बात करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में, कुछ अपडेट्स और नए इंटरव्यू में आए लीक के बारे में, और मैं प्रेडिक्ट करूंगा स्पाइडरमैन नो वे होम के पहले ट्रेलर की रिलीज डेट। कभी कभार किसी किसी चीज़ में सिक्स सेंस आती है कि हाँ ये होगा, और मुझे इसमें आ रही है, मुझे लगता है कि ये रिलीज डेट सही है। तो वीडियो को आखिर तक देखना। तो सोनी पिक्चर्स के एग्जीक्यूटिव का एक इंटरव्यू हुआ, जिसमें इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि क्या आप सिनिस्टर सिक्स स्पाइडरमैन की फिल्मों में लाने वाले हैं। तो उन्होंने क्लियर लिखा है कि जब भी हम सिनिस्टर सिक्स बनाएंगे, चाहे हम बना रहे हों या फिर बनाने वाले हों, तो हम उसको डार्क में यानी सीक्रेटली बनाना चाहेंगे, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। और इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप वेनम के यूनिवर्स या मॉर्बियस के यूनिवर्स को स्पाइडरमैन के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो उन्होंने क्लियर लिखा है कि हमारे पास सच में एक प्लान है स्पाइडरमैन को वेनम और मॉर्बियस के यूनिवर्स में ले जाने का, और वो उन तीनों स्पाइडरमैन में से कोई सा भी स्पाइडरमैन हो सकता है। जब उनसे और सवाल पूछे गए तो उन्होंने सवालों के जवाब देने के लिए मना करा, और उन्होंने ये कहा कि जब स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज होगी तो और भी बहुत कुछ रिवील होगा, तो इंतज़ार करिए। तो स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में कुछ रूमर्स भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पिछले हफ्ते आ रहे थे। पहला ये कि स्पाइडरमैन नो वे होम में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन मर जाएगा। तो ये क्लियरली एक रूमर है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अब मैं पर्सनली बताऊं तो मैं इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं मानता कि सोनी सिर्फ एक फिल्म में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को इसलिए लाएगा ताकि वो उसको मार सके, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव रोल वाले को मारने के लिए उसकी एक इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए बाकी लोगों के साथ, और मुझे नहीं लगता कि स्पाइडरमैन नो वे होम में इतना स्क्रीन टाइम मिल पाएगा कि उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट हो पाए और उनको मारा जाए। मैं मानता हूँ कि कम से कम उनकी ट्रिलॉजी का चौथा पार्ट यानी स्पाइडरमैन 4 आनी चाहिए, तब जाके उनकी डेथ को एक अच्छा कैरेक्टर आर्क का एंड मिलेगा, जैसे आयरन मैन और ब्लैक विडो को मिला। दूसरा रूमर ये निकल कर आया है कि स्पाइडरमैन नो वे होम एक सिनिस्टर सिक्स फिल्म होने वाली है, जिसमें टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स का एक भी विलन नहीं होगा। उसमें दोनों अमेजिंग स्पाइडरमैन और पहली स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के विलन होंगे, जो कि हैं सैंडमैन, डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, राइनो, लिजर्ड और इलेक्ट्रो। और मैं इस थ्योरी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, ये क्लियरली एक रूमर है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि जिन विलन्स को अपनी फिल्म के आखिर में एक अच्छी इमोशनल एंडिंग मिली है, उनके कैरेक्टर को फिर से बाहर ला के विलन बनवाना एक अच्छा आइडिया होगा, सिवाय वो विलन्स के जिनमें अभी भी पोटेंशियल है, जैसे कि इलेक्ट्रो और डॉक्टर ऑक्टोपस। मैं पर्सनली विलियम डफोई के ग्रीन गॉब्लिन को स्पाइडरमैन नो वे होम में देखना चाहूँगा, पर उनको क्लियरली स्क्रीन पर मरते हुए दिखा चुके हैं, तो उनको फिर से स्पाइडरमैन नो वे होम में लाना बिल्कुल ही एक्सप्लेनेबल नहीं होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के पहले ट्रेलर के रिलीज डेट के बारे में। तो सबसे पहले तो मुझे ये वीडियो मिली है जो कि मेरे को किसी ने भेजी है, जहाँ पे बंदा क्लेम कर रहा है कि उसने marvel.com की वेबसाइट खोल रखी थी, और वहाँ पे स्पाइडरमैन मूवी के कॉलम में जाने पर नीचे कास्ट और फिल्म की रिलीज डेट आ रही थी 2021, साथ ही साथ वहाँ पे फर्स्ट ट्रेलर की रिलीज डेट भी आ रखी थी, जो कि 7 जून 2021, यानी कल ही इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है, ये बंदा क्लेम कर रहा है। उसने ये भी कहा है कि कुछ घंटों बाद उस वेबसाइट से ये इन्फॉर्मेशन हट गई, और पक्का करने के लिए जब मैं marvel.com की वेबसाइट में गया तो एकदम वैसा ही सब कुछ दिखा जैसा उस वीडियो में है, और अब यहाँ पे सिर्फ फिल्म की रिलीज डेट 17 दिसंबर 2021 लिखा हुआ आ रहा है, ट्रेलर की रिलीज डेट लिखी हुई नहीं आ रही, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमें ट्रेलर की रिलीज डेट पता चले। मुझे खुद भी नहीं लग रहा था कि 1 जून को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा, क्योंकि अभी अभी एटर्नल्स का ट्रेलर रिलीज हुआ था, और हर प्रोडक्शन कंपनी कुछ टाइम लेती है एक बड़ी फिल्म का ट्रेलर रिलीज करने में। अभी कुछ दिन मार्वल और सोनी के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज पे थोड़ा सन्नाटा रहेगा, और फिर एकदम से स्पाइडरमैन का पहला ट्रेलर ड्रॉप होगा। हर प्रोडक्शन कंपनी यही करती है। साथ ही साथ मार्वल के सारे ट्रेलर मंडे को रिलीज हो रहे हैं, शांग-ची का ट्रेलर भी मंडे को रिलीज हुआ था, वेनम का ट्रेलर भी मंडे को रिलीज हुआ था, और एटर्नल्स का ट्रेलर भी मंडे को रिलीज हुआ था, और स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर भी 7 जून 2021 यानी मंडे को रिलीज होगा। अगर नहीं भी हुआ तो आपको अगले हफ्ते तो स्पाइडरमैन का ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। पूरे हफ्ते में ही किसी दिन फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो जाएगा, क्योंकि अब उस फिल्म के रिलीज होने में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने रह गए हैं।
वैसे मेरी तरफ से 7 जून 2021 को ऑलमोस्ट परसेंटेज लेके चलना कि आपको कल इस फिल्म का पहला ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। जगह जगह फैला दो कि मंडे को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा। और अगर 7 जून 2021 को इस फिल्म का पहला ट्रेलर रिलीज हो गया तो मुझे याद रखना कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था। इस वीडियो पे आके वीडियो को लाइक कर जाना, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आके मुझे फॉलो कर लेना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के ट्रेलर के लिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दो, और मैं तो आपसे मिलता ही रहूँगा। I get money, she all on my dick. Spend some racks, just check out the fit. I'm the owner, you still tryna rent. Bullets hit him, thought he was Clark Kent. Took a loss, I won't do it again. With your brody, we hang your friend. Smackdown, little bro, check me in. I'm a lion, I